दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से चौथ का बरवाड़ा के कस्बे में जो सरकारी औद्योगिक परीक्षण आईटीआई कॉलेज है उसमें आज पप्पू लाल जी मिस्त्री चौथ माता पुजारी आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे। इस वीडियो के बच्चों एंड बच्चियों को इलेक्ट्रिसिटी मशीनें किरण के बारे में आपको आज फुल फॉर्म से बताएंगे बच्चों को। तो हम चलो चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं इस वीडियो में जो प्रैक्टिकल सिखाएंगे वह श्री चौथ माता पुजारी पप्पू लाल जी मिस्त्री जगदम्बा इलेक्ट्रिकल्स की ओर से हैं। केबल आपका छोटा हो चाहे केबल आपका 500 मीटर का हो, ठीक है, 2000 मीटर का हो कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आ गया। अब ये जैसे मान लो रेड में आ गया, येलो में नहीं आना चाहिए, ठीक है, और ब्लू में भी नहीं आएगा। तो इधर ब्लू में आएगा तो इधर ब्लू होगा, येलो टू येलो एंड रेड टू रेड, ठीक है, हो गया, किसी समझ में आ गया। उसके बाद में यदि आपका केबल मोबाइल जो मोटर उतरा हुआ है बोर्ड में कमर्शियल मोटर लगा हुआ है लिया, तो इसको चेक करने के लिए इसमें फॉल्ट आ रहा है शेड दिस, तो आपको इस तरीके से जमांग लगाएं तो मना ले दीजिए, मोटर बाहर निकाल के तीनों वायर मोटर केबल से काट के अलग कर दो। इसी तरह से हो रहा है, तीनों अलग अलग, इधर से ले ब्लू का येलो में नहीं आना मेरा, ब्लू का येलो में नहीं आना चाहिए, ठीक है, और ना रेड का येलो में आना चाहिए और ना ब्लू रेड में आना चाहिए। यदि ऐसे इस तरीके से इसने बता दिया तो आपका केबल अंदर से प्लस हो रहा है, चिपका हुआ है, ठीक है, बट वो कब करोगे जब इधर से मोटर में से खोलने के बाद। और यदि आप मोटर चेक करते हो तो सपोज करो थोड़ी देर के लिए जैसे अपना ये मोटर केबल आ गया, बाहर डंडा लेते हैं 10 फीट का, पास आपका जो उन्होंने जो यूज भी लिया बांस का डंडा और काई का भी वो बाहर रह गया, तो उसमें जो रात के अंदर जब ओस गिरता है ना ठंड पड़ती है सर्दी उसमें नमी आ जाती है डंडे में। अभी बड़ा ही झुकड़ा में एक एक्सीडेंट हुआ था, वो ऐसे ही मरा था। तो ये जो पॉइंट है इसका रेड वाला पॉइंट इसको चेक करने के लिए यदि आपके उसमें लकड़ी में नमी होगी ना तो ये बताएगा ऐसे इस तरीके से। अगर जल गया उसमें नमी है आप मर जाओगे, इस वजह से पहले मैं सब किसानों को दूंगा ही और सब कुछ सिखाता हूँ, मैं किसानों को सिखाता हूँ। ये हो गया, इधर एसी का सप्लाई है, ये इनपुट जो लाइट आएगा आउटपुट जो मोटर सप्लाई आएगा इधर से, तो ये इसमें लाइट जाते ही तो अपन बटन स्टार्ट करेंगे हरा वाला, हो गया चिपक गया मेरे में, तो इधर का सप्लाई उधर निकल गया, बाकी इसका काम वीडियो अब इस पर चल रहा है। और जब भी आप इसको पुश करोगे दबाओगे तब जाके आपका मोटर बंद हो, ठीक है, आगे समझ में। और कोई ट्यूशन बताओ भाई, कोई समझ में नहीं आ रहा तो बताओ। लगाया 3 फेज के लिए 2 फेज के, ये हरा वाला ग्रीन में आ गया ना स्टार्टिंग, ठीक है, ये बंद हो गया। इसके बाद में यहाँ देखिए ये वाला रेड वाला सेम उसी की तरह ओके हो चालू वाली कंटिन्यूटी आ रहा है इसका, ये आ रहा है इसको दबाओ बंद हो गया। इसके बाद में इसके नीचे जो मैग्नेट कॉइल लगा हुआ है कौन सा, ये वाला, यदि आपका मैग्नेट कॉइल फॉल्ट हो गया जल गया तो आपका स्टार्ट ऑन नहीं होगा, तो मोटर स्टार्ट ये समझ ना आ रही, तो इसका भी तरीका होगी बलर तो परेशान हो गई दिखते हो तुम्हें। आपको सीधा तरीका बताता हूँ, टाइम क्या रहता है ना, ये जल रहा ना वही डाउन आ रहा है, तो मैग्नेट कॉइल में डाउन ही आएगी रजिस्ट्रेशन इस तरीके से। आगे सप्लाई तो मोटर में सप्लाई जाता है इस तरीके से जाता है, दोनों आगे ना फेस न्यूट्रल, ये हो गया आपका। अब देखिए सबसे पहले दिखाते आपको, ठीक है, ये वोल्टेज का एमीटर,
वोल्ट मीटर है, अभी इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। इससे भी नहीं है, ये अंदर से फॉल्ट, ये सही, ये भी वोल्ट मीटर है, ठीक है। ऐसा होता है ना, हमने बाहर निकलने का रास्ता ये आने का, वो उस तरीके से अप्लाई आ गया, आ गया, वन वे साइड हो गया, ये मीटर चेक करना है, तो सर रास्ता डायवर्ट किया है, इधर से नहीं उधर से जाइए, इसका काम यही है बेटा, प्लस और माइनस, ठीक है, एक साइड से माइनस है, एक साइड प्लस। इसमें आपको ये दिख रहा है, एक साइड में जो वाइट पट्टी, ये भी बता दो, ठीक है ना, ये तो है दोनों रजिस्ट्रेशन के, ये लगता है क्रॉम्पटन के अल्टरनेटर में, टॉप रेट के अल्टरनेटर में और किर्लोस्कर के अल्टरनेटर में, जो एल्युमिनियम बॉडी वाले आते हैं उस तरीके से चेक हो। अब ये तो किसमें लगाना था, एक्स वाई जेड, एक्स और रेड, बच्ची ठीक बोल रही है, आप बोल रहे हो रेड, एक बोल रहा है येलो, ठीक है, मैंने लगाया ब्लू पे माध्यम से, तो हल्का सा आपके अंदर के डाउट चल गया ना, इसका मतलब आपके केबल में फॉल्ट आ रहा है या आपको लगता चल गया, बहुत आसान तरीका है सर, ये तरीका मैं क्यों ले रहा हूँ सर, प्लीज़ यदि बच्चों को मैं अभी लिख सर, प्लीज़ आइए स्टैंड अप, आइए ना, आइए, क्या बात है यार, चलो मैं बताता हूँ आपको, सबमर्सिबल जो पंप बनाते हैं सिंगल फेज, तो मोटर नहीं लाए मैं, ये जो इम्पेलर से आ गया, फिर ये डिफ्यूजर, वो पानी इधर से इम्पेलर ले गई है, फिर हमारी पत्ती, और मैं बाबा जी बन के रहता हूँ, है भी ये छोटा जो हमारे, और स्टार्टिंग में कैपेसिटर काम कर रहा है, रनिंग तो हो गया, ऐसे न्यूट्रल टाइप किसको मिलेगा, और स्टार्टिंग में कैपेसिटर सप्लाई करके देंगे उसको, वो डाटा बनाना पड़ता है, ये भी थ्री फेज दिया कंपनी ने, और मैंने डाटा बनाया था सिंगल फेज सारे साल, ये मेरा डाटा है, ये डाटा कंपनी का, मैं 94 ईयर्स हो गए, 94 साल, और 2026 में 100 साल हो गए, तुम्हारे साइंटिस्टों ने आज दिन तक खोज नहीं की, मैंने की, करोड़ों रुपये बेड के अंदर कमाऊंगा, फिर बिल्डिंग बनाया ना ए सी लगवा, क्या बात करते हो, आज तक पे डाल दिया मेरा पूरा डाटा, मेरा डॉक्यूमेंट्स, आज तक मेरा जवाब नहीं लगा है, क्या बात करते हो, तो बेटा स्टार्ट करते हैं, ये कौन सा वाला बेटा रनिंग है स्टडी, पूरे सेट के दो ही तार, ठीक है ना, अब इसको अपन जैसे इस तरीके से, ये जो कनेक्शन का मूव है आपको या तो इधर रखो या फिर यू ले, ठीक है, इधर से ये इधर आ गया ना, लेफ्ट हैंड, ठीक है, इधर आप इस साइड से डालते हो तो जितने भी सेट डालेंगे आपको लेफ्ट हैंड से मूव निकाल दें, इस तरीके से, यदि आपने इसका राइट हैंड से निकाल दिया तो आपका मोटर का कनेक्शन आउट हो देख लेगा, ठीक है, इस तरीके से चार पोलों के सेट होंगे, तो ये जाएगा फर्स्ट वाला 6 में, इसमें 24 स्लॉट जो ये खांचे हैं ना मोटर की वाइंडिंग के, 24 है, अब आपको 24 में से ये दो इसको यहाँ से पकड़ो, ठीक है, ये पकड़ो इसको चपटी करो यहाँ से, कर दिया इस तरीके से, अभी मैं दिखाता हूँ, पहले इसमें देखना 1 2 3 4 5 6,
अभी ये 10 में लगाया हुआ है, ये आ गया। एक से छह में उसके बाद में उसका गुत्था बनता है और फिर कटिंग होती है प्रेशर से, फिर खांचे बनते हैं। तो इनमें टचिंग नहीं हो रही, लोहे की पट्टी के वायर टच नहीं हुए, इस वजह से अपन पेपर लगाते हैं। आपको कोयल को इस तरीके से चपटी करनी है, ठीक है ना, और इसको उधर उधर आते हैं अपन कि उसकी इस तरीके से आपको ये इस तरीके से लेना है, ठीक रहा है इस तरीके से, और ये इसके अंदर पेपर से बाहर तो नहीं निकला, निकला क्या आ गया, तब आपको इसको आगे माचिस बनता ना, अपना माचिस का तिल्ली का, ठीक है ना। अभी इसमें लूज है नहीं, अभी ये कोयल हो रहा है, पेपर लगाओ आपको, अब आपको दूसरे में लगाना है बराबर में बाहर की साइड, इधर जाइए इसके पास वाला ये है ना, इस तरीके से ये तो कनेक्शन हो गया, जो घूमते आ रहा नहीं इधर से गया हुआ है, तो बिजली जब अंदर एंट्री लेगा ना इनपुट अंदर जाएगा इसमें से जाएगा। अब टाइट वाइटिंग होने वाला है, चपटी करो चपटी करो पहले उसको चपटी करो, इसको यो करो पहले थोड़ा जूता हो, ठीक है, और अब चपटी करो इसको जाना है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे इसका जो लूज वाइंडिंग है, यदि कोई वाइंडिंग टाइट है मोटर का तो आपको स्टिक लेना है, वायरों को इससे जो दबाते आ रहा है उनको दबाना, आगे से दबाते जा रहे हो गया।